नमस्कार। आज की योग की कक्षाओं में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं नीता देवलिया, मेरे साथ आज की कक्षा में पूजा पलड़िया मेरी सहयोगी रहेंगी। तो आइए आसनों से पूर्व कुछ नियमों को जान लें। योगाभ्यास जब भी करें सुबह खाली पेट ही करें, आप चाहें तो शाम का समय भी दे सकते हैं। योगाभ्यास करते हुए वातावरण स्वच्छ रहे, खुले हुए स्थान में ही अभ्यास करें जहाँ हवा आसानी से आ जा सके। यदि आप अंदर अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास के दौरान आपके वस्त्र ढीले व सुविधाजनक रहें। अभ्यास करने के बाद तुरंत स्नान या भोजन ना करें, कम से कम आधे या एक घंटे का आपको समय देना है। इसी के साथ साथ हम अगला अभ्यास का क्रम जान लें। आज की योग की कक्षा में किए जाने वाले आसन जो हैं संतुलनात्मक आसन है, स्टैंडिंग पोजिशन के आसन, जिसमें सबसे पहला क्रम है उत्कट आसन का, दूसरा अभ्यास है आपका गरुड़ासन का, तीसरा अभ्यास आप करेंगे पादहस्तासन का और चौथा अभ्यास आपका नटराजासन का। केवल पादहस्तासन फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है, बाकी तीनों जो अभ्यास आप करेंगे बैलेंसिंग पोजिशन के आसन से संतुलन के साथ आपको करना होता है। इसके लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार रहना है। तो ध्यान दें, अभ्यास करने के बाद हर एक आसन के बाद आपको कंप्लीटली रिलैक्स करना है, मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करना है। यदि फिर भी आसन करते हुए संतुलन बनाने में कठिनाई होती है तो आप प्रारंभिक अभ्यास में दीवार के सहारे अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ होने के बाद आप फिर बिना सपोर्ट के यह अभ्यास कंटिन्यू कर सकते हैं। आसनों के क्रम में खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। उत्कट आसन के लिए सबसे पहले सीधे खड़े रहें, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए बैठने का प्रयास करना है। ध्यान रहे आपको बैठना नहीं है, हाफ सिटिंग पोज आपको ऐसा महसूस करना है कि आप चेयर पर जिस प्रकार बैठते हैं इतना आपको इस स्थिति में आना है। अंतिम स्थिति में दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम की स्थिति में, यदि सुविधा ना हो तो आप हाथों को पुनः सीधा कर सकते हैं, दोनों हाथों को सामने की ओर भी रख सकते हैं। इसी अभ्यास में यदि यह अभ्यास दृढ़ हो जाए तो आप पंजों के बल आ सकते हैं, एड़ियों को ऊपर उठाते हुए धीरे से वापस आएंगे, एड़ियां ज़मीन पर रखते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, धीरे से ऊपर उठते हुए घुटने सीधे और हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएंगे। आसन के अभ्यास के बाद पुनः रिलैक्सेशन की स्थिति में, दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी, दाएं हाथ से बाईं हथेली को पकड़ते हुए दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। सहजतापूर्वक अपनी आंखें बंद कर लें। पूरी सजगता आपकी श्वास प्रश्वास पर, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, पूर्ण रूप से प्रत्येक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहें। उत्कट आसन के प्रभावों को महसूस करें, विशेष रूप से दोनों पैरों पर पड़ रहे प्रभावों को महसूस करें। पैरों को ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स रहें। इसके साथ साथ यदि इसके लाभों की चर्चा करें, उत्कट आसन का अभ्यास पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, यह अभ्यास एकाग्रता को भी बढ़ाता है। अभ्यास करते हुए हमें इस प्रकार से सावधान रहना है, जिन्हें घुटने के दर्द व कमर में दर्द है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि हल्का दर्द है तो वे किसी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में या निर्देशन में ही यह अभ्यास करेंगे। आसनों के क्रम में दूसरा आसन का अभ्यास गरुड़ासन का अभ्यास, जो संतुलनात्मक अभ्यास है, इसमें पुनः संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को गरुड़ासन के लिए तैयार करें। धीरे से आंखें खोलते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं, पैरों को मिला लें,
पुनः पोजीशन लेते हुए गरुड़ासन का अभ्यास करेंगे। गरुड़ासन के अभ्यास के लिए हमें किसी एक पैर पर बैलेंस बनाना है। हम अभ्यास करेंगे, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पर बैलेंस करेंगे। दाएं पैर पर बैलेंस करने के लिए दाएं घुटने को हल्का सा मोड़ लें। वह बाएं पैर को आगे की ओर से घुमाते हुए इस प्रकार से लाने का प्रयास करना है कि पंजा भी आपका घूमते हुए आगे की ओर आ सके। पुनः दाएं हाथ को सीधा करते हुए कोहनी से बाएं हाथ को इस प्रकार से घुमाना है जैसे आपने अपना पैर घुमाया है। दोनों हथेलियां आपस में जुड़ जाए, नजरें किसी सामने एक बिंदु पर। गरुड़ासन का अभ्यास, गरुड़ के समान आपकी आकृति। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को रिलीज करते हुए खोल लेंगे। बाएं पैर को घुमाते हुए पुनः वापस स्थिति में लेकर आएंगे। यह अभ्यास यथासंभव जितना संतुलन बन सकता है उतनी देर के लिए आप कर सकते हैं। दूसरे पैर से ही अभ्यास करेंगे। कोई भी अभ्यास आप करें तो दोनों पैरों से, दोनों तरीकों से आपको करना है काउंटर पोज। यही अभ्यास बाएं पैर पर बैलेंस बनाते हुए करेंगे। बाएं घुटने को हल्का सा मोड़ते हुए दाएं पैर को आगे की ओर घुमाते हुए दाएं पंजे को भी घुमाएंगे। पैर पर लपेटते हुए इसी प्रकार से दाएं हाथ को उठाते हुए कोहनी से मोड़ेंगे दोनों हाथों को। इस स्थिति में 1 से 2 मिनट के लिए रुकते हुए आसन को देखेंगे किस प्रकार से करना है। वो वापस आना है, धीरे से दाएं हाथ को घुमाते हुए वापस लेकर आएं। बाएं हाथ को व दाएं हाथ को सीधा करें, दाएं पैर को घुमाते हुए सीधा लेकर आएं व सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। पुनः रिलैक्सेशन की स्थिति के लिए दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी, दाएं हाथ से पुनः बाएं हथेली को पकड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ें। इस अभ्यास के दौरान पैरों में कुछ जोर पड़ता है, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पैरों की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली रहे, आंखें आपकी बंद रहे। रिलैक्सेशन के दौरान पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर, आसन के प्रभावों को महसूस करते हुए आइए जो अभ्यास किया उसके लाभों की चर्चा करें। गरुड़ासन का अभ्यास पैरों व हाथों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। यह अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाता है। इसका विशेष प्रभाव पैरों की तंत्रिकाओं पर पड़ता है। आसन को करते हुए कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है। गठिया के रोगों या पैरों में कड़ापन होने के पर यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हर्निया में भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि संतुलन बनाने में कठिनाई हो तो प्रारंभ में दीवार के सहारे यह अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आसनों के क्रम में अगले अभ्यास के लिए हम तैयार रहेंगे। पादहस्तासन का अभ्यास, धीरे से आंखें खोलते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में, दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अगला अभ्यास पादहस्तासन का, पाद आपके पैर, हस्त आपके हाथ, हाथों से आपके पैरों का स्पर्श कराना है। किस प्रकार से कराना है अभ्यास करेंगे। इसी स्थिति में ही अभ्यास किया जाएगा। लंबी गहरी सांस भरते हुए सामने की ओर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। शरीर को अधिकतम खींचते हुए सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की ओर झुकाएंगे। कमर से झुकते हुए अधिक से अधिक झुकते हुए सांस छोड़नी है। वह कोशिश करना है कि आप अपने हाथों से पैरों का स्पर्श करें, दोनों पैरों के पंजों के बगल में दोनों हाथों की हथेलियाँ। अंतिम स्थिति में, पादहस्तासन की स्थिति में आपका माथा आपके घुटने या पैरों से मिला हुआ रहेगा। यह पादहस्तासन की अंतिम स्थिति है। यदि यह स्थिति में आना संभव ना हो, धीरे धीरे आप झुकने का अभ्यास करेंगे व अंतिम स्थिति में रुकेंगे। वापस आएंगे, वापस आने के लिए धीरे से कोहनियाँ सीधी करेंगे। सामने की ओर देखते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर,
पुनः श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में नीचे की ओर लेकर आएंगे। यहीं से रिलैक्सेशन का अभ्यास अभ्यास करने के बाद रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी। दाएं हाथ से बाएं हथेली को पकड़ते हुए या बाई कलाई को पकड़ते हुए दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को ढीला, कमर बिल्कुल ढीली, आंखें सहजतापूर्वक बंद। पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर। इस अभ्यास के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से पड़ रहे प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। पादहस्तासन के अभ्यास के बाद जाने कि इस आसन को करने के क्या क्या लाभ हैं। यह अभ्यास मेरुदंड को लचीला बनाता है, उदर की चर्बी को कम करता है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, कब्ज को दूर करता है। आसन करते हुए हमें कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी हैं। जिन्हें कमर दर्द या सर्वाइकल की समस्या है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों को यह अभ्यास कुशल गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप है उन्हें भी कुशल गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना चाहिए। तो आइए आसनों के क्रम में अगला अभ्यास नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, आँखों खोलते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं, पैरों को आपस में मिलाएं। नटराज आसन के लिए आप किसी एक तरफ मुड़ जाएंगे। नटराजासन को करने के लिए सबसे पहले अपने बाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ें व दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ना है। धीरे से श्वास भरते हुए पैर को हाथ के सहारे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें, अधिकतम जितना आप खींच सकते हैं। अंतिम स्थिति में धीरे से दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए धीरे से नजरें आपकी सामने रहेंगी दाएं हाथ पर। दाएं हाथ की विशेष मुद्रा आप बना सकते हैं। पैर को अधिक से अधिक खींचने का प्रयास, वापस आने की स्थिति देखेंगे। धीरे से दाएं हाथ को वापस लेकर आएं। यहीं से बाएं पैर को नीचे की ओर लेकर आएं, हाथ से छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। यही अभ्यास हम करेंगे दाईं ओर मुड़ते हुए, दाएं पैर से अभ्यास करेंगे। नटराजासन का अभ्यास जो अभ्यास हम कर रहे हैं, अर्ध नटराजासन का अभ्यास, पुनः दाएं पैर से इसका अभ्यास करने के लिए दाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ेंगे। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं हाथ से पंजे को या अंगूठे को जैसे भी आप सहज महसूस करें पकड़ते हुए श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। कंधों पर खिंचाव देते हुए अधिकतम अंतिम स्थिति में धीरे से हाथ को ऊपर उठाते हुए हाथों की उंगलियों पर लगातार एकाग्रता बनाए रखनी है। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास अच्छे संतुलन के लिए। धीरे से वापस आएंगे, बाएं हाथ को नीचे लाते हुए धीरे से दाएं पैर को वापस लेकर आएंगे पुनः सामान्य स्थिति में। यह अभ्यास अर्ध नटराजन आसन का अभ्यास है। अभ्यास दृढ़ होने के बाद यदि आपके हाथ, आपकी कमर, आपके पैर लचीले हो चुके हैं तो पूर्ण नटराजासन की स्थिति हम कर सकते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार करना है। पुनः अर्ध नटराजासन की स्थिति में आएंगे, दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं हाथ से पकड़ते हुए अधिकतम ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पूर्ण नटराजासन में धीरे से हाथ को घुमाते हुए कोहनी मोड़ते हुए ऊपर की ओर कोहनी की दिशा। अंतिम स्थिति में आपका पैर अधिकतम ऊपर, बाएं हाथ से पुनः मुद्रा बनाते हुए एकाग्रता बनानी है, संतुलन बनाना है।
धीरे से वापस आएंगे, बाएं हाथ को वापस लाते हुए, दाएं हाथ को घुमाते हुए पुनः सामान्य स्थिति में, हाथ पैर सीधे करते हुए सामने की ओर चेहरा करेंगे, दंडासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी, दाहिने हथेली से बाई कलाई या हथेली को पकड़ते हुए दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला, आंखें सहजतापूर्वक बंद, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। नटराज आसन के बाद उसके प्रभावों को महसूस करें। शरीर में यदि कहीं खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है तो उसे शिथिल बनाएं, पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, नटराज आसन के पश्चात इसके लाभों को जानें। यह अभ्यास शारीरिक व मानसिक एकाग्रता के लिए अच्छा अभ्यास है। तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, फेफड़ों को विस्तारित कर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है, कंधों व हाथों की जकड़न को दूर करता है। परंतु आसन करने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी है। जिन्हें साइटिका या कमर में दर्द है वे इस अभ्यास को नहीं करेंगे। यदि वे करना चाहते हैं तो उन्हें किसी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना चाहिए।